बैक टू माई चैनल। तो मैं आज आपको शॉर्ट नोट में द हिंदू के क्या क्या मेंशन करना है, क्या इंपॉर्टेंट है, ये बताने वाली हूँ। चलिए देखते हैं। पहला हमारा यहाँ पे है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को लेके। इसमें है स्टेट ऑफ यूनियन डू नॉट वांट टू बी मेयर अपेंडेज ऑफ सेंटर। तो यहाँ पे एक न्यू टर्म्स निकल के आया है, अपेंडेजेस। तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि सेंटर और यूनियन डू नॉट वांट, ठीक है, वो नहीं चाहती है अपेंडिस ऑफ सेंटर किसी भी टाइप का। इसमें ये बात हो रही है कि आर्किटेक्चर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट की, उसके प्रस्पेक्टिव पे बात नहीं कर होना चाहता। अब देखो इसके कॉन्टेक्स्ट में मैंने जो बताया है न्यूज़पेपर में, वो ध्यान रखना है। इसमें मैंने नहीं मेंशन किया कि जब 2014 में एनडीए की गवर्नमेंट की सरकार बनती है, जो एनडीए की सरकार बनती है, एनडीए की गवर्नमेंट बनती है, तो उसमें क्या होता है कि लोग ये प्रेडिक्ट करते हैं कि अभी कोऑपरेटिव फेडरलिज्म पे फोकस किया जाएगा। रीज़न इसके पीछे इसलिए है कि जब मोदी जो प्राइम मिनिस्टर हैं, वो पहले जब सीएम थे गुजरात के, तो वहाँ पे फोकस था कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को लेके, और बातें बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को लेके की जाती थी। तो ये एक्सपेक्टेशन थी कि अभी जो गवर्नमेंट है, जो 2014 में इलेक्टेड हुई है, वो फोकस करेगी कोऑपरेटिव फेडरलिज्म पे, पर ऐसा नहीं देखा गया। तो जब नीति आयोग आई, उस पर भी ये लोग कयास लगा रहे थे, ये सोच रहे थे कि अभी कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को लेके बात की जाएगी, पर ऐसा नहीं हुआ। अब देखो इसमें मेन मंडेट क्या रहा नीति आयोग का, फॉस्टर करना कोऑपरेटिव फेडरलिज्म थ्रू स्ट्रक्चर सपोर्ट है, यहाँ पे सपोर्ट इनिशिएटिव, ठीक है। स्टेट इज़ ऑन कॉन्टिन्यूस बेसिस रिकॉग्नाइजिंग स्ट्रॉन्ग स्टेट मेक अ स्ट्रॉन्ग नेशन। तो नीति आयोग में ये हुआ कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात की गई, पर वो इतना इफेक्टिव दिखा नहीं। फर्स्ट टाइम वाइल डीलिंग विद रिकमेंडेशन ऑफ 15th फाइनेंस कमीशन, ये देखा गया कि ट्रेडिशन वॉज ब्रोकन, ये ट्रेडिशन ब्रेक हुआ रिलेटेड टू ट्रांसफर टू स्टेट एज पर अवार्ड एंड पैकेज। तो वहाँ पे ये देखा गया कि जो भी अवार्ड और जो पैकेजेस थे स्टेट को लेकर, उसमें सेंटर की जो चीज़ें वो देखी गई। अब एक चीज़ और याद रखनी है कि आपको जो नीति आयोग यहाँ पे दिया है, तो नीति आयोग से रिलेटेड आपको ये चीज़ याद ध्यान रखना है कि नीति आयोग ने रिप्लेस्ड किया है किसको किया है, प्लानिंग कमीशन को, ये भी याद रखनी है, ठीक है। तो अब इसका एक एग्ज़ाम्पल जो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि एग्ज़ाम्पल एक आया था, तो यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान देने की ज़रूरत है कि थ्री फॉर्म लॉ जो आए थे, ठीक है, यहाँ पे याद रखना है कि थ्री फॉर्म लॉज जो लाए गए थे, यहाँ पे आपको मेंशन कर लेना है। मैं यहाँ पे करना भूल गई, ठीक है, सॉरी। थ्री फॉर्म लॉज जो ले आए गए थे, ठीक है, थ्री फॉर्म लॉज जो ले आए गए थे, तो यहाँ पे कुछ चीज़ें मैं लिखना भूल गई। एज अ एग्ज़ाम्पल ये लिखना है यहाँ पे, थ्री फॉर्म लॉज लाए गए थे स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। तो इसमें क्या किया गया था, डिड नॉट आस्क एनी रिकमेंडेशन बाय स्टेट गवर्नमेंट। वहाँ पे कोई भी रिकमेंडेशन किसी भी टाइप से स्टेट गवर्नमेंट की नहीं ली गई थी, ठीक है, और लेटर इसको क्या किया गया था, रिपील कर दिया गया था, ठीक है, ये याद रखना है। तो इसमें क्या है कि कंकरेंट लिस्ट था, ठीक है, कंकरेंटली सेंट्रल स्टेट लिस्ट, सॉरी, कंकरेंटली स्टेट लिस्ट में ये होता है फॉर्म लॉ से रिलेटेड है, तो उसमें किसी भी टाइप का स्टेट गवर्नमेंट को किसी भी तरीके से इंक्लूड नहीं किया गया था। पर बाद में आपको पता है बहुत सारे प्रोटेस्ट हुए, बहुत सारी चीज़ें हुई, और एक हिसाब से ये कॉन्स्टिट्यूशन में जो फीचर है, कॉन्स्टिट्यूशन में जो दिया गया है फीचर, और एक तरीके से जो बेसिक स्ट्रक्चर या बेसिक फीचर कहा जाता है, उसको भी, उसका भी एक तरीके से वायलेशन था। और बाद में क्या हुआ, लेटर इट वॉज़ रिपील्ड, बाद में उसको रिपील कर लिया गया, यानी कि वापस ले लिया गया था। तो ये चीज़ भी एज अ एग्ज़ाम्पल, ठीक है, एज अ एग्ज़ाम्पल ये रखने की ज़रूरत है, ठीक है, एज अ एग्ज़ाम्पल इसको रखने की ज़रूरत है।
तो ये चीज़ भी ध्यान में देनी है। तो एज अ 1 मिनट, तो ये चीज़ भी यहाँ पे ध्यान देने की ज़रूरत है। अब हम आके यहाँ पे आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखेंगे, फाइनेंस कमीशन कॉन्स्टिट्यूटेड बाय प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल 280 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो फाइनेंस कमीशन जो है वो कॉन्स्टिट्यूट हुई आर्टिकल 280 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और वो रिकमेंडेशन उसमें लिया गया कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्स रेवेन्यू बिटवीन यूनियन एंड स्टेट एंड अमंगस्ट स्टेट। तो कुल मिला के इसमें जो बात हो रही है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की, उसमें ये बात हो रही है कि सेंटर स्टेट के रिलेशन की। और इसमें क्या बात हो रही है, इसमें बात की जा रही है सेंटर और स्टेट के रिलेशन की बात की जा रही है। तो जैसे फाइनेंस कमीशन का मुद्दा होता है, तो जिसमें आर्टिकल 280 ये कहता है कॉन्स्टिट्यूट किया गया है प्रेसिडेंट के द्वारा, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूट बाय प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल 280 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें रिकमेंडेशन दिया जाता है, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्स को लेके, रेवेन्यू के लेके यूनियन स्टेट के बीच में और अमंगस्ट स्टेट के बीच में। नेक्स्ट है आईआर से रिलेटेड, 9 रशियन बैंक ओपन की है वोस्ट्रो अकाउंट फॉर रुपी ट्रेड। तो पहले इससे रिलेटेड हमने ये चीज़ देखी थी कि इंडिया भी फोकस कर रही है, फोकस उसने किया है ट्रेड इन रुपी में, ठीक है, कि जिससे हमारी जो ज़्यादा हम रिलाय करते हैं बहुत ज़्यादा डॉलर पे, फॉरेन करेंसी पे, उस पे ना करके हम अपनी जो रुपीज़ है, यानी हमारी जो करेंसी है रुपीज़, उसको ज़्यादा ही जो हमेशा उसको आगे रखें और उस पर ट्रेड करें, जिससे नेशन अपना जो है उसके इंटरेस्ट में काम हो पाएगा और हमारे लिए वो बेनिफिटेड होगा। तो 9 रशियन बैंक ओपन हुई वोस्ट्रो अकाउंट रुपीज़ में ट्रेड करने के लिए। इसमें अभी तक रशिया ओनली कंट्री ऐसी है जिसने इंगेज किया है इंडिया के रुपी बेस्ड ट्रेड ऑफ़र को। अभी के लिए रशिया ने ही सिर्फ ऑफ़र को एक्सेप्ट किया है। 9 रशियन बैंक हैं जिन्होंने परमिट किया है ओपन करने के लिए स्पेशल वोस्ट्रो अकाउंट को, ठीक है, और एक्सपोर्ट इंपोर्ट ट्रांजैक्शन के लिए किया गया है। अब हमें यहाँ पे ये जानना है कि नेस्ट्रो और वोस्ट्रो अकाउंट होता क्या है। नेस्ट्रो अकाउंट वो होता है जिसका मतलब है होता है आर्ट्स, यानी कि आर्ट्स मनी, ठीक है, आर्ट्स मनी दैट इज ऑन डिपॉजिट ऑफ योर बैंक, ठीक है, और मनी दैट्स ऑन डिपॉजिट ऑफ योर मनी, मतलब कि मेरे, जैसे नेस्ट्रो नेस्ट्रो अकाउंट है कि मतलब मेरा पैसा है और वो डिपॉजिट किया गया है आपके अकाउंट में, इसका कुल मिला के मतलब है। और वोस्ट्रो का मतलब है कि आपका पैसा, जो आपका पैसा है वो हमारे यहाँ के बैंक में डिपॉजिटेड है, तो ये इसका मतलब है। आगे आएंगे, जो 9 रशियन बैंक हैं जिन्होंने परमिट किया है ओपन करने के लिए स्पेशल वोस्ट्रो अकाउंट, ठीक है, और इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ट्रांजैक्शन के लिए, उसमें नेस्ट्रो और वेस्ट्रो जो है वो दो तरह का डिफरेंट टर्म यूज़ हुआ है, ठीक है, सेम बैंक अकाउंट के लिए। वन बैंक हैज़ अनदर बैंक मनी ऑन डिपॉजिट टिपिकली रिलेशन टू इंटरनेशनल ट्रेडिंग और अदर फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। तो ये तब किया जाता है जब एक बैंक और दूसरे बैंक के जो मनी है डिपॉजिट को लेके, वो इंटरनेशनल ट्रेडिंग के लिए और फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के लिए ये चीज़ की जाती है। इसको मैंने पहले एक्सप्लेन कर दिया, नेस्ट्रो क्या है, वोस्ट्रो क्या है। फिर नेक्स्ट आएंगे हम एयर पोल्यूशन से रिलेटेड आए हैं, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ स्टीयरिंग कमेटी ऑन एयर पोल्यूशन पे बात कर रही है इस आर्टिकल में। तो मिनिस्ट्री किससे रिलेटेड है, अगर आता है न्यूज़ में तो ये याद रखना है कि हाँ, सॉरी, अगर एग्ज़ाम में आता है तो हमें ये याद रखना है कि हाँ, ये न्यूज़ में हमने पढ़ा था, हेल्थ स्टीयरिंग कमेटी ऑन एयर क्वालिटी ऐसी मिनिस्ट्री थी जिसके बारे में हमने एयर पोल्यूशन से रिलेटेड पढ़ा था। ये इन्वायरमेंट जेस पेपर 3 का है। इसमें फोकस किया जा रहा है, अभी अभी इसमें दिखाया जा रहा है कि एयर पोल्यूशन को लेके अभी लोकल और ग्लोबल एपिडेमोलॉजिकल जो एविडेंसेस हैं उसमें फोकस किया जा रहा है हाउस होल्ड कुक स्टोव स्मोक को, ठीक है, जो हाउस होल्ड स्मोक है उस पर भी ध्यान दिया जा रहा है, ठीक है, और स्टेबल बर्निंग पे फोकस किया जा रहा है। स्टेबल बर्निंग जो एक बाई प्रोडक्ट है इल जो थ्रू आउट वाटर कंजर्वेशन लॉ, ठीक है, यहाँ पे थ्रू आउट होगा, इसको सही कर लेना है, थर्मल पावर प्लांट इमिशन, ये सारी चीज़ें जो है उसको भी डील करने की कोशिश की जा रही है एयर पोल्यूशन, और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ स्टीयरिंग कमेटी ऑन एयर पोल्यूशन इस चीज़ पे फोकस कर रही है। और ये इफ़ेक्ट जो स्पेशली हेल्थ को लेकर के है उस पर ध्यान देना है कि हेल्थ पे, अब मैंने वहाँ पे लिखा था कुछ चीज़ें
जो ध्यान देनी है। तो मैंने जो न्यूज़पेपर में बताया था, पर यहाँ पे मैं लिखना भूल गई थी, तो यहाँ पे जो दिया है इफ़ेक्ट स्पेशली ऑन हेल्थ, ठीक है, तो उस पर ये ध्यान देखना है, कार्डियोवास्कुलर और रेस्पिरेटरी डिजीज़ेस जो हो रहे हैं एयर पोल्यूशन की वजह से, उस चीज़ को भी ध्यान देना है। मैंने यहाँ पे लिख दिया है कार्डियोवास्कुलर और रेस्पिरेटरी जो डिजीज़ेस हो रही हैं उस वजह से भी ये चीज़ें जो इफ़ेक्ट हो रही हैं, तो उसको भी ध्यान में देना है। यहाँ पे ये चीज़ भी मैंने कर दिया है, ठीक है। फिर हम आगे आ जाएंगे, हमारा ये आया है थर्ड एडिशन जो होने वाला है, नो मनी फॉर टेरर फोरम। नो मनी फॉर टेरर फोरम का थर्ड एडिशन होने वाला है, उसमें जो बात की जा रही है उस पर देखेंगे हम। पहली बात तो यहाँ पे जो होम मिनिस्टर अमित शाह जी हैं वो अटेंड करने वाले हैं इसको, नो मनी फॉर टेरर फोरम को, और यूज़ ऑफ क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म होगा ये, फाइनेंस टेरर एक्टिविटीज़, वी कंट्रोल जो मैकेनिज्म सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए जो टेरर फाइनेंस हो रहा है उसको लेके बात की जाएगी, और वन ऑफ द फोर मेन टॉपिक जो है डिस्कस किया जाएगा नो मनी फॉर टेरर के लिए, ठीक है। तो ये होस्ट किया जाएगा इंडिया के द्वारा दिल्ली में, फॉर्मल और इनफॉर्मल चैनल होंगे टेररिज्म को लेके, इमर्जिंग टेररिज्म, टेररिस्ट फाइनेंसिंग और इंटरनेशनल कोऑपरेशन को लेके यहाँ बात होगी, और एक जो डार्क वेब जिसमें जो प्रोफेशनल हैकर्स और जो टेररिस्ट होते हैं वो एक साथ आके जो क्राउड सोर्स फंड करते हैं, क्राउड सोर्स फंडिंग होती है, तो उस चीज़ को भी इसमें बात की जाएगी कि कैसे इस चीज़ को सही किया जाए। तो ये था हमारा आज का शॉर्ट नोट का एनालिसिस। पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।